ऑल राइट, तो आज हमारे पास आई हुई है काफी खास स्मार्ट वॉच। ये आती है क्रॉस बीट्स की तरफ से, क्रॉस बीट्स आर्मर डाइव। तो ये एक रगेड आउटडोर स्मार्ट वॉच है जिसको आप काफी हार्श एनवायरमेंट में भी यूज कर सकते हो। तो इसके लॉन्चिंग प्राइस है 3,499 रुपए। इसका परचेज लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड कर रखा है, वहां से आप इसको जाके परचेज कर सकते हो फटाफट से। तो 4,000 रुपए के हिसाब से वॉच कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करती है जो मैंने अब तक किसी और वॉच में नहीं देखे हैं। तो अगर आप 4,000 रुपए के अंदर रगेड स्मार्ट वॉच लेने की सोच रहे हो जिसमें एमोलेड का सपोर्ट हो, कॉलिंग का सपोर्ट हो एंड जो थोड़ी सी स्पेशल हो, तो आप इस वीडियो को एंड देखते रहिए। बॉक्स के टॉप में क्रॉस बीट्स आर्मर डाइव की ब्रांडिंग है। डाइव मतलब आप इसको पहन के डाइव भी कर सकते हो, काफी स्पेशल वॉच ये होने वाली है। पीछे के पार्ट में कुछ फीचर्स इसके मेंशन किए गए हैं एंड प्राइसिंग यहाँ पे मेंशन है 11,999 रुपए। तो आप कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। रामपुरी मोड ऑन। तो बॉक्स इसका मैग्नेटिक है। क्रॉस बीट्स की पैकेजिंग मैंने जितनी भी देखी है काफी अच्छी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो एक स्ट्रैप इसके साथ में हमें फ्री मिलता है। ये रही मेन वॉच, ये है ब्लैक कलर में। एक पोगो पिन वाली चार्जिंग केबल एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशन। तो वॉच का डायल टोटली मेटल का बना हुआ है। राइट पार्ट में इसके फंक्शन बटन एंड माइक्रोफोन है, लेफ्ट पार्ट में स्पीकर वेंट है। पीछे के पार्ट से है ये प्लास्टिक बिल्ड, यहाँ पे इसके सेंसर्स एंड चार्जिंग पिन्स हैं। स्ट्रैप देखा जाए तो काफी थिक स्ट्रैप इसमें दिया गया है जिसमें हल्का सा टेक्सचर भी प्रोवाइड किया गया है। क्वालिटी काफी सही है स्ट्रैप की, हालांकि उतना सॉफ्ट है मुझे नहीं लगा। एंड जो इसका बक्कल है वो मेटल बिल्ड है। वेट हम चेकआउट कर लेते हैं, 75 ग्राम इसका वेट है। तो वॉच को ऑन करके इसकी ऐप के साथ हम सेटअप कर लेते हैं इंग्लिश। तो ऐप का नाम है फिट क्लाउड प्रो, डिवाइस बाइंड डिवाइस। तो यहाँ पे सीबी आर्मर लिखा हुआ चुका है, कनेक्ट पे हम कर देते हैं क्लिक। टिक, यानी सक्सेसफुली आपस में पेयर हो चुके हैं। ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए भी यहाँ पे रिक्वेस्ट आ चुकी है, पेयर एंड कनेक्ट पेयर। एंड ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए भी आपस में पेयर हो चुके हैं। तो 1.43 इंच की 466x466 पिक्सल रेजोल्यूशन की इसमें एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। तो कलर रिप्रोडक्शन इसका काफी अच्छा आता है, ब्लैक्स भी काफी डीप इसमें लगते हैं। 1000 nits की इसमें पीक ब्राइटनेस है, तो आउटडोर विजिबिलिटी भी इसकी काफी अच्छी है। इतनी ब्राइटनेस तो बेसिकली स्मार्टफोन्स में आती है, बट यहाँ पे बजट स्मार्ट वॉच में कंपनी प्रोवाइड कर रही है। रेस्ट टू वेक का फीचर भी इसका काफी परफेक्टली वर्क करता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का इसमें सपोर्ट है, दो इसमें वॉच फेस है, डिजिटल एंड एनालॉग। 400 mAh की इसमें बैटरी दी गई है, 15 days का बैटरी बैकअप कंपनी क्लेम करती है अगर आप इसको कैजुअल यूज करते हो। बट अगर आप इसके सेंसर्स या कॉलिंग वगैरह को काफी यूज करते हो तो आपको इसमें तकरीबन 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल सकता है। 3 ATM की इसमें रेटिंग दी गई है एंड ये वॉच स्विम प्रूफ भी है। तो 30 मीटर की आप डाइव कर सकते हो इस वॉच को पहन के। मिलिट्री स्टैंडर्ड 810 ये सर्टिफाइड है। तो इस प्राइस पॉइंट में काफी कम ही वॉचेस इस ग्रेड के साथ आती है। काफी ड्यूरेबल है, काफी रफली आप इसको यूज कर सकते हो, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। डिस्प्ले में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन दी गई है जो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ठीक है। तो स्क्रैचेस वगैरह इसमें जल्दी से नहीं आएंगे। एंड कनेक्टिविटी के लिए इसमें दिया गया है लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3। तो इसका UI एंड टच रिस्पॉन्स देखा जाए तो ठीक मुझे लग रहा है, बहुत ज्यादा स्मूथ भी नहीं है, बहुत ज्यादा लैगी भी फील नहीं हो रही है, काफी मीडियम टाइप का परफॉर्म कर रही है। रिइंस्टॉल इसमें 4 वॉच फेसेस है। ऊपर है इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू जहाँ पे सारे शॉर्टकट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे टॉर्च का ऑप्शन है, डू नॉट डिस्टर्ब का ऑन ऑफ कर सकते हो, बैटरी सेवर मोड एंड ब्राइटनेस कंट्रोल भी यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे है सेटिंग ऑप्शन, सेटिंग है मेन्यू स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, 3 स्टाइल इसमें दिए गए हैं। डिस्प्ले में स्क्रीन टाइम हो गया, रेस्ट टू वेक, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में यहाँ पे 2 क्लॉक्स हैं, डिजिटल एंड एनालॉग। बैटरी वाइब्रेशन इंटेंसिटी आप सेट कर सकते हो, यहाँ पे सॉफ्ट चाहिए हार्ड चाहिए, लैंग्वेजेस का भी यहाँ पे सपोर्ट है। सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी बट हिंदी लैंग्वेज का यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। नीचे पे नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हो, राइट में की सारी शॉर्टकट ऐप्स हैं। तो लेफ्ट में है इसका मेन्यू, तो मेन्यू को आप इस बटन से भी ओपन कर सकते हो। सबसे पहले वर्कआउट्स का यहाँ पे ऑप्शन है, सारे स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। 125 प्लस इसमें स्पोर्ट्स मोड है, इसमें 10 स्पोर्ट्स मोड है, बट इसकी ऐप्स आप इसमें और भी स्पोर्ट्स मोड को ऐड कर सकते हो, बट वॉच में ओनली 10 ही रहेंगे। वर्कआउट रिकॉर्ड्स हो गया, हार्ट रेट, यहाँ पे ब्लड प्रेशर एंड ब्लड ऑक्सीजन का भी सपोर्ट है, तीनों को हम चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे हार्ट रेट को। तो डेटा आप देख सकते हो दोनों में काइंड ऑफ सिमिलर सा ही आ रहा है, इसमें 68 चल रहा है, इसमें 71 चल रहा है। ब्लड ऑक्सीजन तो वॉच में आ रहा है 97%, इसमें आ रहा है 99%। तो डेटा में यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। ब्लड प्रेशर 109/68 यानी कितना एक्यूरेट है आई डोंट नो। स्ट्रेस मॉनिटरिंग, मैसेजेस, वेदर, फीमेल हेल्थ के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। म्यूजिक प्लेयर, तो अपने फोन के म्यूजिक को अपनी वॉच से ही आप कंट्रोल कर सकते हो, बट अपनी वॉच में आप म्यूजिक को प्ले नहीं कर सकते। जेन मोड का भी इसमें ऑप्शन है, यानी ब्रेथिंग एक्सरसाइज का ऑप्शन। फाइन फोन इनबिल्ड इसमें कैलकुलेटर भी है बेसिक वाला। तो फिट क्लाउड प्रो नाम की ऐप इसमें यूज हो रही है, तो ये एक थर्ड पार्टी ऐप है, कंपनी के अभी तक अपनी कोई ऑफिशियल ऐप नहीं है। तो इसके होम पेज में ही सही फिटनेस डेटा को आप चेकआउट कर सकते हो। डिवाइस का यहाँ पे ऑप्शन है, पुश नोटिफिकेशन, जिस भी आपका नोटिफिकेशन चाहिए आपको अपनी वॉच में उसका मैसेज ऑन कर पाओगे। डायल लाइब्रेरी यानी वॉच फेसेस, तो 250 प्लस इसमें क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस दिए गए हैं। कस्टम वॉच फेस का भी इसमें सपोर्ट है, तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी पिक आप अपनी वॉच पे लगा सकते हो। तो इस वाले वॉच फेस को मैं लगा लेता हूं।
स्पोर्ट्स पुश का यहाँ पे ऑप्शन है। वॉच में रहता है 10 स्पोर्ट्स मोड, अगर आपको एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स मोड ऐड करने हैं वॉच में तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो उनको। रेस टू वेक ऑन ऑफ आप कर सकते हो, फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट को आप ऐड कर पाओगे अपनी वॉच पे। तो आप कंपनी ने यहाँ पे अपडेट कर दिया है गूगल फिट ऐप एंड एप्पल हेल्थ के साथ फिटनेस डेटा को सिंक कर सकते हो। तो वॉच के सेंसर्स की बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने टेस्ट किया था इसमें हार्ट रेट को, तो डेटा काफी इसका क्लोज आ रहा था ऑक्सीमीटर एंड वॉच दोनों का, तो हार्ट रेट में वॉच काफी ठीक परफॉर्म करती है। SpO2 में चेकआउट किया, वॉच में आ रहा था 97%, ऑक्सीमीटर में आ रहा था 99%। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्यूरेसी का फर्क है, ब्लड प्रेशर भी इसमें है बट वो कितना एक्यूरेट है उसके रिगार्डिंग मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। स्टेप काउंटर भी हमने इसका चेकआउट किया, वॉच को पहन के मैंने लिया 36 स्टेप्स एंड वॉच ने शो करे 37 स्टेप्स, तो सिर्फ एक स्टेप का यहाँ पे फर्क है। स्टेप काउंटर में वॉच काफी ठीक परफॉर्म करती है। स्लीप ट्रैकिंग वो भी हमने इसका चेकआउट किया, रात को इसको पहन के मैं सोया था एंड जितने बजे मैं सोया जितने बजे उठा इसने तकरीबन उतनी ही टाइमिंग इसमें मेजर करी। तो सेंसर्स में मैं बोलूंगा वॉच काफी ठीक परफॉर्म करती है अगर आप SpO2 को छोड़ देते हो। एंड काफी सारी वीडियोस में मैं आपको बताता रहता हूँ, आज ही बता रहा हूँ, वॉच के जो सेंसर्स होते हैं मेडिकल यूज के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ एक आइडिया के लिए आप इनको यूज करें। तो अगर कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो बात आती है कंक्लूजन की कि आपके वॉच को परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगर 3500 रुपए के हिसाब से वॉच को देखा जाए तो वॉच काफी रगेड बिल्ड के साथ आती है, टोटली मेटल कंस्ट्रक्शन में आती है, आप इसको पहन के डाइविंग कर सकते हो। 1000 nits की इसमें पीक ब्राइटनेस है, एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट है, गोरिल्ला ग्लास 3 की इसमें प्रोडक्शन है। तो ऑलमोस्ट मैं अभी तक 200 वॉचेस का रिव्यू कर चुका हूँ एंड 4000 रुपए के अंदर जितनी भी वॉचेस मैंने अभी तक रिव्यू करी हैं किसी में भी 1000 nits की ब्राइटनेस नहीं है, ना ही गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन है। तो ये वॉच थोड़ी सी खास वहां पर हो जाती है इस वजह से। तो अगर आपको भी रगेड बिल्ड वाली वॉच चाहिए जो वाटरप्रूफ हो, जिसको पहन के आप स्विम भी कर पाओ, इसकी आउटडोर में ब्राइटनेस भी काफी अच्छी हो, गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन भी आपको चाहिए, एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट चाहिए, काफी सारे आपको वॉच फेसेस चाहिए एंड सेंसर्स भी आपको थोड़े ठीक चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस वॉच को चेकआउट कर सकते हो। 3500 रुपए के हिसाब से वॉच काफी मुझे जबरदस्त लगी एंड आपको ये वॉच कैसी लगी वो भी आप हमको बता सकते हो कमेंट करके। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो वो भी हमसे आप पूछ सकते हो कमेंट करके। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो कर दीजिए लाइक। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।